भोपाल राजधानी में अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ की दो दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे विद्युत सुधार अधिनियम पर चर्चा हुई। महासंघ के अध्यक्ष मधुसूदन जोशी और महामंत्री किशोर लाल ने बताया कि बैठक में विद्युत सुधार अधिनियम कर्मचारी की समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सरकार 2003 में जारी किए गए विद्युत बिल को लेकर श्वेत पत्र जारी करे। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार लगातार हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, इससे आमजन को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब सरकार विद्युत सुधार अधिनियम लाने वाली है, जिसमें कई सारे विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर अधिनियम को लागू किए जाए। अगर सरकार इस अधिनियम को लागू करने से पहले संगठन से चर्चा नहीं करती है तो महासंघ इस बिल के विरुद्ध में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने पर विवश होगा। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ पूरे देश में मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी अखिल भारतीय बैठक यहाँ दो दिन भोपाल में रखी गई। उसके ऊपर यहाँ पर हमने जो विद्युत बिल है उस पर चर्चा की है, मजदूरों की समस्या पर चर्चा की है, प्रदेश में जो मजदूरों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग वेजेज हैं, उस पर चर्चा की है। और हमारा मेन संगठनात्मक चर्चा का विषय भी यहाँ दो दिन रहा है, और विद्युत बिल पे और जो लेबर कोड आ रहे हैं चार, उनके बारे में भी हम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया है। तो मुख्यतः अभी जो बिल आ रहा है, बिल इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही है 2022 की, उसमें हमारा ये है कि जो हमने पहले भी ऊर्जा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन किया था कि जो बिल 2003 आया है उस पर केंद्र सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, ताकि वो बताए कि 2003 के बिल को लेके जनता को, उपभोक्ता को और कर्मचारियों को क्या फायदे क्या नुकसान हुए, उस पर एक वाइट पेपर जारी हो। एक हमारी ये शुरू से मांग रही है। दूसरा, जो इस बिल में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को देने का वो है, उसका हमारा सैद्धांतिक विरोध है। पूरे बिल का हमारा विरोध नहीं है, पर जो उसमें सर्टन पॉइंट्स हैं उनको लेकर हमारी ऑब्जेक्शंस है। पिछली हमारी अभी नासिक में हमारा अधिवेशन हुआ है, नई कार्य समिति बनी है, उसके पहले हमारी केंद्रीय मंत्री से बात भी हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो जल्दी अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ को वार्ता के लिए बुलाएंगे। तो वो अगर बिल से पहले हमें वार्ता के लिए बुलाते हैं तो हम हमारे सजेशन दोबारा से इस बिल पर देंगे, वरना हमें जो विरोध करना है हमारी जो सैद्धांतिक बातें उनको लेके, तो हम इसका बिल का विरोध भी करेंगे। अब ये केंद्र के पाले में है कि वो हमसे वार्ता करके हमारे सजेशनों को इस बिल में शामिल करता है या नहीं करता है। उपभोक्ताओं का विषय जो है इसमें, उपभोक्ताओं के लिए जो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात चल रही है, उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं है, पर उपभोक्ताओं के लिए दिक्कत ये आने वाली है कि अगर एक ही क्षेत्र में अलग अलग बिजली प्रोवाइडर होगा तो उसको दिक्कत होगी कोऑर्डिनेशन करने में, और अलग अलग रेटें रहेंगी तो फिर एक उपभोक्ता कहेगा वहाँ ये रेट है, वहाँ ये रेट है, तो उनमें कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पर एक क्षेत्र में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हो उससे, और रेटें आज की तारीख में REC जो स्टेट रेगुलेटरी कमीशन होते हैं वो तय करते हैं, रेटें वही रहने वाली हैं। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज में जो डिफरेंट फ्रेंचाइज डालने का जो मॉडल है, इसका हम विरोध करते हैं। नहीं, निजीकरण का सीधा सीधा मामला नहीं है ये। निजीकरण तो ऑलरेडी बिजली के क्षेत्र में हो ही रहा है। आज उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो 48% उत्पादन प्राइवेट सेक्टर के पास है। वहाँ जहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहाँ हमारा सैद्धांतिक विरोध नहीं है। पर जहाँ सीधा सीधा जनता पे भी भार आता है, कर्मचारी पे भी भार आता है, और वो सेक्टर बिजली एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इसमें अगर आप पूरा निजी क्षेत्र को दे देते हैं तो उससे फिर सरकार पे भी एक दिक्कत आती है। क्योंकि अभी जैसे बॉम्बे में एक साइबर अटैक हुआ तो बिजली का डिस्टर्बेंस हुआ, तो सरकार के लिए ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इसमें कुछ सर्टन परसेंटेज गवर्नमेंट सेक्टर में जनरेशन भी रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी रहना चाहिए, और ट्रांसमिशन तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए। क्योंकि पूरे देश में जो अगर ट्रांसमिशन करना है बिजली को, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। ये अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की दो दिवसीय बैठक भोपाल में संपन्न होने जा रही है। कल हमारे जो 24 तारीख को संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई और आज 25 तारीख को हमारे संगठनात्मक के साथ साथ पूरे क्षेत्रों की रिपोर्टिंग और जो विद्युत सुधार अधिनियम बिल आने वाला है उस पर ये तय किया गया कि केंद्र सरकार हमारे हित सुरक्षित रहेगी, अर्थात कर्मचारियों की हित सुरक्षित रहेगी, पेंशन ग्रेजुटी और अगर तीसरी कंपनी भी रहती है तो उसकी गारंटी सरकार के पास रहेगी, ऐसा तय करके हम लोगों के अगर हित सुरक्षित हैं तो हम लोग सरकार के साथ हैं। अगर सरकार बिना चर्चा किए हम लोगों के जो सुझाए हुए बिंदुओं पर कोई अहमियत नहीं देगी, हम लोगों के साथ चर्चा नहीं करेगी और हमारे हितों का ध्यान रखते हुए हम लोग आंदोलन पूरे देश में करेंगे,
ऐसा हम सब लोग। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।